अजमेर के किशनगढ़ में दिन दहाड़े बाइक सवार हमलावरों ने हर माड़ा निवासी भागचंद चोटिया पर फायरिंग कर दी। हमलावरों ने 5 राउंड फायर किए। 4 गोली भागचंद चोटिया के सीने में और 1 सिर में लगी है। वारदात करने के बाद बाइक सवार बदमाश फरार हो गए और मौके पर फायरिंग की घटना के बाद दहशत का माहौल हो गया। घायल चोटिया को राजकीय अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। किशनगढ़ के बहुचर्चित भवन सिनोदिया हत्याकांड में भागचंद मुख्य गवाह थे। वहीं चोटिया की मौत की खबर सुनने के बाद किशनगढ़ के राजकीय अस्पताल में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। गौरतलब है कि हरमाड़ा निवासी भागचंद चोटिया की मां सरपंच है और चोटिया खुद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मौके से कारतूस के खोल भी बरामद किए हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के आला अधिकारी भी राजकीय अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। पुलिस ने हमलावरों की तलाश के लिए पूरे जिले में नाकाबंदी करवा दी है। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों से हमलावरों की फुटेज खंगालने में जुटी है।